जी भाई कुंगरी गोम्पा के लिए लेफ्ट मुड़े थे, पिन वाली नेशनल पार्क का रोड है ये। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पिन वाली नेशनल पार्क। और भाई यहाँ पे अभी वाइल्ड लाइफ बहुत दिखती है, यहाँ पे हिरन वगैरह दिखने के चांसेस है, स्नो लेपर्ड और क्या बता रहे थे भाई, वो वुल्फ भी दिख जाएगा। हाँ वहाँ पे वुल्फ भी दिख सकता है भाई हमें, भेड़िया तो देखते हैं भाई, बारह सिंह। हाँ अगर कुछ दिखता है अपने को तो मजा आ जाएगा। तो भाई हम तो वेट कर रहे हैं, कुछ दिख जाए तो सही, आपके लिए भी कुछ देखते हैं। रात के टाइम पे फायदा ये रहेगा भाई कि हमें क्या नाम है, दिखने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं वाइल्ड लाइफ। दिन में तो वाइल्ड लाइफ अपने अपने हैबिटेट से निकलती नहीं है, रात को ये चीजें शिकार पे निकलती हैं। तो बस अपना भी काम बन जाएगा। सामने पार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, पता नहीं इसमें कैमरे में आ रहा होगा या नहीं, रुक जाए लाइट बंद करता हूं ना, हाई बीम कर दे तो भाई इसमें तो पूरा ना आ रहा। पर चलो ठीक है, देखते हैं भाई आगे। कुंगरी गोम्पा की तरफ ही चल रहे हैं, रास्ता बिल्कुल ऐसा है अजीब सा। तो भाई पहुंच गए हैं हम अब पिन वैली नेशनल पार्क, ऑल दो रात का टाइम है बट हाँ। और भाई यहाँ पे देखो डेंजरस है यार रात को, ऑब्वियसली हम पार्क में नेशनल पार्क में एक जंगल में जा रहे हैं, पर यार अब क्या करें, टाइम इतना ही था और अपने को जाना है आगे। तो देखो भाई यहाँ क्या क्या मिल सकता है अपने को, स्नो लेपर्ड है, ये हिरन टाइप है भाई, हिमालयन बीच, और भाई यहाँ पे वुल्फ, और भाई ये भी अपना क्या बोलते हैं कुछ और भी था भाई, कौन सी शीप, ब्लू शीप, स्पीति ब्लू शीप या फिर हिमालयन ब्लू शीप कुछ नाम था उसका। तो भाई ये है डेंजरस रास्ता है कि जंगल का है, और इस पे रात को वैसे मना करते हैं नहीं जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा डेंजरस हो जाता है, बट भाई अपना कीड़ा शांत का होता है। हमने तो घूमना है भाई, हमने देखना है दुनिया कुछ भी कहे, अपने को एक्सप्लोर करना है, मतलब करना है हमें भाई, फियरलेस 4x4, डर खौफ अपना घर छोड़ के आते हैं, जब इतनी दूर आए तो भाई पूरा एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। तो आज रात को भाई होपफुली कुछ बढ़िया वाइल्ड लाइफ भी दिख जाएगा, क्या पता भाई अपने को। और रात को भाई जैसे कल परसों लोमड़ी दिखी थी, या तो यहाँ स्नो लेपर्ड वगैरह है, भेड़िया वगैरह दिख जाए तो लेट्स सी भाई। भाई पूरा स्पीति ने मेरा ऑफ रोड का कीड़ा तो मार दिया मतलब मजे करवा दिए। ऑफ रोडिंग का जितने में रोते थे ना वो सारा ही रहता भाई, बिल्कुल भाई कंप्लीट ऑफ रोड ही है, रोड नाम की तो चीज नहीं, रोड आता है बीच में कई जगह गलती से बन गए जो, नहीं तो भाई रोड तो है ही ना। ये देखो पीछे साइड में पहाड़ ऐसे कच्चे, रात का टाइम है भाई, नेशनल पार्क भी है। तो सन्नी भाई तो वही कह रहा था, अब आपको दिख नहीं होंगे अंधेरे में, हमें दिख रहे हैं पीछे भाई पहाड़ है बड़े बड़े। सन्नी भाई कह रहा भाई तो ड्रावना सीन लग रहा है भाई साहब। आया सन्नी भाई का फोन भी आ गया भाई किसी का, हमने कोई वीडियो देखी ना है, पर हमारी शायद पहली वीडियो हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, यूट्यूब पे रात नहीं आता। हाँ नाइट ड्राइव टू पिन वैली नेशनल पार्क, थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा डेंजरस है भाई, बट ऑफकोर्स मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखो कुछ आगे मिलता है तो एक्साइटिंग। की सिस्टम है यो, माटी माटी है तो रोड भी ना है तो ना, खुला तो है भाई, खुला है बंद तो ना है यार, साइड में जगह है पर पत्थर मटी है बस, टर्मैक है ही ना बिल्कुल, टर्मैक तो है ही ना, देख रहा है बस पत्थर मिट्टी के रोड है भाई बिल्कुल कंप्लीट। अरे भाई मैं तो कह रहा था सन्नी भाई से कि काश यार लेपड़ वेपड़े भेड़ी वेड़ी कुछ आ जाए, कह रहा भाई घंटा नहीं आना चाहिए। क्यों क्या हो गया? कह भाई तेरा तिरपाल ऊपर है सॉफ्ट टॉप, भाई सब कुछ पाड़ देगा ले जाएगा। मैं कहा भाई वैसे अटैक नहीं करते कभी वाइल्ड लाइफ वाले एनिमल्स, ये जो वाइल्ड एनिमल्स है कभी भी आपकी प्राइवेट गाड़ियों पे अटैक नहीं करते, डरते हैं इंसानों से। पर हाँ ऑफकोर्स यार कभी बार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, वो फिर हमारी किस्मत खराब हो सकती है भाई, वाइल्ड एनिमल है दिमाग उसमें अंदर इतना थोड़ी है इंसान जितना, वो तो सबसे बुरा जानवर तो जैसा नहीं करता, सबसे खराब जानवर ही इंसान है, विच इज ट्रू, बट आई थिंक स्टिल यार की वाइल्ड लाइफ बॉदर नहीं करेगी जब तक बुरे नहीं करते। हाँ कभी हमारी किस्मत ज़्यादा खराब होगी तो भाई कांट से, पर अभी तो भाई ये है कि बस सेफली जाए, कुछ दिखता है अगर कोई वाइल्ड लाइफ का हमें कुछ भी दिखा हम आपको दिखाएंगे, और क्या पता भाई कुछ दिख ही जाए, पर वही है भाई थ्रिल तो रहेगा पर डर भी लग रहा है भाई उस हिसाब का, कुछ दिख जाए रास्ते में एकदम एक्चुअल में अटैक कर दे क्या पता, हूँ उस भाई। तो देखो भाई भगवान का नाम लो और चलते बनो, जो होगा देखी जाएगी आगे, बस हम पहुँचने वाले हैं बस। तो भाई जब भी भाई अब ऐसे घूमने हो ना तो एक बार ध्यान रखना, देखो हमारे पास खाने पीने का बहुत सौदा पड़ा है, अभी तो सामान है इतना दिखाने वाला, दो तीन पन्नी तो भाई पीछे पड़ी है चिप्स कुरकुरे और इन सब की। और भाई ये देखो भाई हमेशा ना आप लोग रेडी होके चलो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, पानी भी हमारे पास दो पेटी था भाई, हमने चले थे, हमने 2000-1000 का खाने पीने का सामान मान लिया था भाई, सब कुछ जो हाथ आ रहा था वो ले लिया,
रीजन है उसका भाई कि स्पीति जैसा टेरेन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो भाई गाड़ी पीछे पार्क कर दी थी हमने, ठीक है, और ये है कुंगरी गोम्पा, हम जो रात को कवर कर रहे हैं अपने क्रेज में भाई, अपने उसमें आ गए हम रात को भी, चल देखते हैं। बहुत सेक्लूडेड सा एरिया, ये भाई नाइट स्काई है, अभी इसमें आपको इसमें नहीं आएगा, मैं नाइट व्यूजन, हाँ देखो आपको शायद थोड़े थोड़े वो तारे पीछे दिख रहे होंगे, और नाइट विजन में मैं कैमरा में फोटो लूंगा, कल जैसा ही एक फोटो लूंगा, बहुत प्यारा फोटो आएगा 100%। भाई आपका नाम क्या है? चाशी। चाशी भाई यहाँ पे है, और भाई ने हमें एंट्रेंस दिया अंदर, तो बस हम बाहर से एक बार वीडियो शॉट करके लाते हैं और फिर चलते हैं घर। भाई यहीं से है भाई, लोकल हो आप, यहीं के रहने वाले हो? अच्छा अच्छा भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके भाई। अच्छा भाई, अपने भाई हमारे को लेके जा रहे हैं, अब कह रहे हैं हम भाई दिखाएंगे हमें सारा। तो एक तो देखो भाई आगे जो वो है, वो तो है एक स्टोर, जो मॉन्क्स का स्टोर है, सामने इधर की तरफ जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, तो मॉन्क्स का हॉस्टल टाइप मान लो ये। और भाई भाई अब हमें दिखाएंगे जो मेन गुम्पा है यहाँ का। तो भाई ये है यहाँ की ओल्ड मॉनेस्ट्री, जो सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है कुंगरी गोम्पा, सबसे सेकंड ओल्डेस्ट भी भाई पूरे स्पीति में, शायद दूसरी सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है ना, बहुत पुरानी मॉनेस्ट्री है भाई, और बहुत सुंदर एरिया है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं भाई, यहाँ के लोकल्स बहुत बढ़िया है। आपको जब मौका लगे आप आओ, ये थोड़ा पिन वैली नेशनल पार्क से आगे आगे पड़ता है, लोग यहाँ पे आना प्रेफर नहीं करते क्योंकि बहुत दूर पड़ता है, फिर लोगों को पता नहीं है इस बारे में, पर भाई यहाँ आओ ताकि लोकल्स को सपोर्ट मिले भाई, इनके पास आओ रहो, इनके पास खाओ पियो, ताकि इन भाइयों को भी कुछ, हाँ इन भाइयों को भी कुछ सपोर्ट मिले। और भाई ये देखो, ये इस मॉनेस्ट्री के बारे में है पूरी इन्फॉर्मेशन, आप मेरी वीडियो पॉज करके कभी भी, जब भी आपको जानना हो इस मॉनेस्ट्री के बारे में, आप कभी भी वीडियो पॉज करके और ये पढ़ सकते हो सारा। ये मॉनेस्ट्री है जो नई वाली, तो वो ओल्ड मॉनेस्ट्री थी उधर जो आपने देखी सबसे पुरानी, अब ये नई मॉनेस्ट्री बनाई है भाई, क्योंकि ऑफ़ कोर्स विद टाइम आपको चीज़ें थोड़ी चेंज करनी पड़ती हैं, और ऑब्वियसली भाई सांस फूल रही है सॉरी, तो विद टाइम आप चेंज करोगे मॉनेस्ट्रीज और स्ट्रक्चर ओल्ड हो जाता है, तो वैसे वो ज़्यादा टाइम नहीं चल पाता, तो आपको ऐसे एरिया में हमेशा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। और फिर आप यहाँ का वेदर देखो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेदर है, या फिर बहुत अनप्रडिक्टेबल है, इस वजह से चीज़ें टूट फूट वेयर एंड टेयर चलते रहते हैं। सर्दी हमें भाई बता रहे थे अभी हमको कि 5 महीने 4 फुट चार चार फुट 5-5 फुट बर्फ पड़ जाते, भाई कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि हम 5 महीने पहले स्टोर कर लेते हैं ना लकड़ी वगैरह, आग उग स्टोर कर ले आग उग के लिए। देख रहे भाई, और यहाँ पे भाई BSNL, यहाँ पे BSNL के अलावा कोई टावर नहीं आता, तो भाई हर 6 महीने बिल्कुल कनेक्टेड नहीं रहता बिल्कुल धरती से, 5 महीने बिल्कुल ऐसे हो जाते कट ऑफ, यहाँ सिर्फ पैदल आ जा सकते हो, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं आती, लड़कियों का ऊपर है अलग अलग है। तो भाई देख लो आप, यहाँ पे मॉन्ग्स हमारे पीछे, मॉन्ग्स यहाँ पे रहते हैं, और इनका अपना भाई वो है अपना जो ये हॉस्टल टाइप मान लो, यहाँ पे पढ़ते हैं सारे, हिम्स वगैरह सब सीखते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं। और भाई ये एरिया बड़ा देख लो, कनेक्शन से भर रहे हैं, यहाँ सिर्फ अभी भी 2G ही चलता है, वो भी सिर्फ MTNL BSNL, उसके अलावा कुछ नहीं आता भाई। तो अब यहाँ 4G का काम चल रहा है जैसे बता रहे, बट थिंक अबाउट इट यार, इतना दूर एक एरिया है बर्फ़ से जो 5 महीने कट जाते हैं, और उस एरिया में नेटवर्क तक नहीं आते, तो बहुत हार्ड लाइफ है यार, बट आई थिंक पीपल आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव। जितना आदमी की नीड्स बढ़ेगी ना, वो जितना आदमी की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी, समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितना आदमी उतने में खुश है जितना उसको मिल रहा है, जितना उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दोगे ना, वो बढ़ती चली जाएंगी नीड्स। तो आदमी यहाँ खुश है भाई, मज़े में है, और सब सही चल रहा है, और अच्छी लाइफ है भाई इनकी भी, बहुत अच्छी लाइफ है, और अच्छा वेदर है। तो भाई यानी कि हम जब मंस पूजा करते हैं ना, अच्छा, तो अंदर करते हैं सारे मंस इकट्ठे होके, अच्छा हर रोज, हाँ हर रोज सुबह शायद 4-5 बजे उठते होंगे ये लोग, अच्छा तो 1-1.5 घंटे का सुबह का इनका प्रेयर होता है, और दिन में क्लासेस वगैरह लगते हैं मंस के, अच्छा हाँ शाम को भी प्रेयर होता है। तो भाई यहाँ पे ये सबसे पुरानी, ये नहीं है सबसे, ये अब डेकोरेशन के हिसाब से तो नया, अंदर पुराना भी है। तो भैया मॉन्क्स के हॉस्टल साइड में, और ये बीच में जो इनका टेंपल है या जो अपनी मॉनेस्ट्री है सबसे पुरानी, और सबसे पुरानी नहीं ये नई, हाँ हाँ इसको नए के हिसाब से बनाया गया है पूरा, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर के लोग आएंगे तो थोड़ा
बेटर ऑफ कोर्स उनको वो देना है, तो इस वजह से ये नए के हिसाब से रहा है, तो चीज़ें करते रहते हैं। और भाई ऊपर नाइट्स का अगर आप देखोगे, आपको मैं नाइट फोटो लूँगा, आप वो देखना क्या सिस्टम ही अलग है भाई, बेहतरीन है। आपको भी मैं नाइट्स का दिखाऊँगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। क्यों होगा तो भाई गाइस लाइट आ गई यहाँ पे, तो मैं एक बार फिर आपको लाइट के साथ दिखा दूँ सारे शॉट। बता मैंने आपको सब कुछ दिया है, अब एक बार आप लाइट के साथ देख लो भाई, बहुत अमेजिंग मैंने यहाँ पे फोटोज लिए हैं नाइट स्काई के, इतने अमेजिंग नाइट स्काई मैंने कभी नहीं देखे। इनफैक्ट मैंने कल परसों जो नाको लेक से लिया उससे भी बेटर नाइट स्काइज यहाँ पे थे। तो भाई ये है अपना, पूरा देख लो आप। और अब इसके बाद हम सीधा शायद कॉमिक ही जाएंगे, अगर वहाँ पे होटल्स हुए, वरना विल गो टू कासा, होपफुली विल गो टू कॉमिक। दो चलो भाई अब चलते हैं कॉमिक की तरफ, बहुत ठंड है और हम अभी भी यहाँ टी शर्ट में घूम रहे भाई, मर जाएंगे भाई। अरे घर के तो गाड़ी बुक देते हैं तो ठीक है यार, अब भाई मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ यार, 2 महीने से जिम छोड़ रखी, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है अपने आपसे। सच बताऊँ ना, अंदर से एक वो आ रही है, क्योंकि अभी इतने सरकमस्टांस चेंज हुए मेरे साथ कि सब कुछ छूट गया, बट आई नीड अ शेड्यूल। और यहाँ से जाने के बाद मैं शेड्यूल दोबारा पकड़ूंगा, काम कुछ और मैंने सोचा है, अभी कुछ काम भी करूँगा, ब्लॉगिंग तो ऑफकोर्स मैं रेडी रखूँगा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर, एंड भगवान ने चाहिए तो ऑफकोर्स इसमें आगे बढ़ेंगे और अच्छे प्यार रिव्यूज़ और एडवेंचर आपको दिखाएंगे। पर अभी भाई मेरा यह कि एक तो थोड़ा जिम पे फोकस करना पड़ेगा दोबारा, मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी भाई पहले, अभी जितना ख़राब हो गया वो हो गया यार, थोड़ा बिंज ईटिंग मानो स्ट्रेस की वजह से कुछ भी यार छोड़ दी थी जिम, बट आई सॉ इट यार टुडे कि आज मेरे को इस ट्रिप पे बहुत महसूस हो रहा है कि यार जब तेरी बॉडी फिट थी ऑफकोर्स व्हेन आई वाज हेल्दी, एक डिफरेंट अप्रोच थी मेरी टूवर्ड्स थिंग्स, और पर्सनैलिटी में एक फ़र्क आता है यार, कॉन्फिडेंस लेवल हर चीज़ का अलग रहता है। कॉन्फिडेंस आज भी ठीक है, कॉन्फिडेंस इज ओके, स्टिल मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बट एक आई थिंक वो कुछ तो है दैट्स मिसिंग ना, और वो चीज़ आपको जिम में करते हो, जिम नहीं कुछ भी आप करोगे ना, समथिंग फिजिकल ना, वो चीज़ आपकी बूस्ट होगी। तो गो फॉर यू नो, हेल्दी रहो भाई, डू वट एवर यू कैन भाई, पसीने निकालो, मेहनत कर लो, यही उम्र होगी, किसी क्या उम्र होगी, मेरी उम्र में तो भाई तोड़ दो, और फिर भी भाई मैं तो कहूँगा जो भी जिस भी उम्र में हो, बट पुट योर बेस्ट इनटू इट, दैट्स गोना हेल्प यू, आगे जोर लगा दो हर चीज़ का, आगे काम आएगा। मैं भाई यहाँ से जाते के साथ अब जिम में ज्वाइन करके दोबारा मैंने बढ़िया डाइट, बढ़िया जिम जोर मार के खींच लूँगा सिस्टम, मेरी डाइट, मेरी बॉडी अभी थोड़ा मैं फैल गया हूँ और थोड़ा हल्का हो गया हूँ, पहले ठीक था भाई, अब थोड़ा फैट वैट आ गया, पेट आ गया मैंने देखा आज, और अगली बार तक देखना अगली ट्रिप पे आप खुद ही कमेंट में लिखोगे भाई एक्चुअल में अच्छा था, आपने अच्छा रिकवर करा दोबारा, और कर देंगे भाई। चलो आगे चलते हैं, भाई ने हमें दिखा दिया और हम सुबह कॉमिक जा रहे हैं दोबारा, हमने रास्ते तो देख ही लिए थे बीच के, हाँ बीच में हमें कुछ ऐसा दिखा, कुछ वाइल्ड लाइफ वगैरह दिखा था, लगवा था, नहीं तो सीधा कॉमिक ही मिलेंगे। हम तो आ गए थे, आप हमारे हिसाब से मत आना, वो तो हमारी किस्मत थी कि भाई हमें मिल गए लोकल थे और वहाँ पे लोकल बनते थे तो उन्होंने हमें आने दिया अंदर, वो प्रीस्ट मान गया, उन्होंने एक बार उन्होंने बोल दिया था, मैं बोला सर आ गए तो प्लीज़ थोड़ा आप हमारी सुन लेना, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया बाहर से उठाने के लिए, पर देख लो ये टाइमिंग से भाई, ठीक है इसी हिसाब से आना आप, वरना मत आना, वरना हो सकता है मॉन्ग्स यार मना कर दे, वो तो भाई लोकल थे, उन्होंने एक्सेप्ट हमारे लिए रिक्वेस्ट करी तो हमें उन्होंने जाने दिया। चलो आपका नाम फिर दोबारा बताना भाई, ताशी भाई, ठीक है ना भाई, गौरव मेरा नाम है, भाई का नाम आकाश नाम है, बहुत बढ़िया लगा भाई से मिलकर, कभी भी सैड आए भाई मैं लोकल आपसे बोलूंगा ताशी भाई कौन है 100% होगा, बहुत बढ़िया लगा भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी थे भाई, इनकी वजह से। तो जी लोग बिल्कुल अंधेरे में खड़े हैं, गाड़ी बंद करके सब कुछ कर रहे भाई, बिल्कुल नेशनल पार्क के बीच में खड़े हैं, घूमरी घूम से जब वापस आ रहे थे, और भाई नाइट स्काई इसके फोटो ले रहे हैं हम, क्योंकि कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा, वीडियो में तो आ ही नहीं पा रहा भाई, सिर्फ फोटोज दिखा सकते हैं, बट जो फोटोज आ रहे हैं और जितना हम देख पा रहे हैं ना भाई अपनी नेकेड आई से, ओए होए होए भाई, बिल्कुल अंधेरा है आसपास, कुछ भी कोई लाइट नहीं है, हम बिल्कुल नेशनल पार्क के बीच में खड़े हैं, द ओनली थिंग वी कैन हियर इज द विंड नॉइस भाई, पहाड़ों के बीच से जो कटने की आवाज़ आ रही है उसकी हवा की, और भाई पानी का शोर, एक साइड में रिवर वैली है उस पर शोर है बस, और प्योर पिन ड्रॉप साइलेंस है, और कुछ भी नहीं है, नेचर की आवाज़ है, खतरनाक एरिया है ऑफकोर्स यार, लेपर्ड वगैरह है भाई, वुल्फ वगैरह भी है, तो इस गुड की हम जल्दी निकल रहे, बस भाई वो नाइट्स का इतने इंट्रीगिंग थे, इतने एक्साइटिंग लग रहे थे कि भाई वी हैड टू टेक दोस फोटोज, बस अब निकल रहे तुरंत, बट हाँ मज़ा आ गया भाई, दिस इज़ व्हाट आई केम फॉर हियर, दिस इज़ व्हाट आई केम फॉर, यही था दिखाना था जो आपको भी और मुझे खुद देखना था भाई पर्सनली भी, बड़ा मज़ा आ रहा है यार, आई एम सो ग्लैड आई केम, और एक टूटता तारा भी दिखा यार हमने, ऑफकोर्स हम वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वीडियोज़ में वो आता ही नहीं है, पर यार हाँ वो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हमने एक्चुअल में, 2 दिन मैंने परसों भी देखा था और मैंने आज भी देखा, 2 दिन मैंने टूटते तारे देखे, पहली बार जिंदगी में और कभी नहीं देखा शायद, क्लियर स्काइज होने की वजह से, बट यार
अमेजिंग यार, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, मज़ा आ गया भाई मेरे को। तो गाइस यार वहाँ से तो हम निकल आए थे, अब हम जो मेन हाईवे जहाँ से हम लेफ्ट मुड़े थे पिन वैली की तरफ, तो हम उससे अब आके वापस और लेफ्ट मुड़ गया दोबारा, हम निकल आए हैं टूवर्ड्स काजा, और अब हम या तो कॉमिक जाएंगे या काजा, कॉमिक जो हाईएस्ट विलेज है वर्ल्ड की, या तो वहाँ स्टे करने वाले हैं या हम काजा में स्टे करेंगे। तो लेट्स सी भाई, अभी देखते हैं और चेक करते हैं, अभी नेटवर्क हमारे फ़ोन में है नहीं फिलहाल, तो वेट कर रहे हैं। और भाई रोड वही है, सुनसान पड़े हैं बिल्कुल, और ये देख लो पत्थर वत्थर पड़े ही हुए हैं, तो काफ़ी भाई खतरनाक है यार रात का ड्राइव इन पे। क्यों क्यों भाई, तो भाई पागल थोड़ी हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई, मैं इसमें ना देख रहा हूँ, मैं उसी में देख रहा हूँ। नहीं भाई वाइट लाइट भाई, सोचता मैं फोन में देख रहा हूँ आगे ना देख रहा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजर पे स्टीयरिंग पे है तो मैंने पकड़ रखा है ऐसे। भाई की हार्ट बीट तेज हो गई है भाई, भाई उधर पड़े ना दुर्घटना के चार राज, टेंशन मत ले भाई, मैं बिल्कुल उस पर ही ज्यादा नजर है, इस पर ना है मेरी 1% भी। तो भाई हाँ अपना ये देख लो भाई, रास्ता ऐसा खाई है गहरी, तो अपना जा रहे हैं सीधा सेफली भाई आराम आराम से, या तो कॉमिक ही पहुंचेंगे अब कॉमिक विलेज, और या भाई खासा रुकेंगे वो तो जैसे नेटवर्क आएगा हम होटल वगैरह सर्च करेंगे और फिर देखते हैं आपको क्या बनता है, तब तक तो पहुंचते हैं आगे। वो देखो भाई बागी। अरे यार फिर रह गई भाई एक लोमड़ी, जस्ट हमें क्रॉस करती है फॉक्स, हम सोच लेंगे शॉट, बट हमारी किस्मत ही खराब है, एक बार भी कुछ आ ही ना रहा हाथ में, दिख ही ना रहा है कुछ, इतनी देर हो ली भाई, 5 लोमड़ी क्रॉस कर चुके हैं हम कल से, पर भाई कर ही नहीं पा रहे। कोई नहीं यार चलो, काजा भाई रह गया है थोड़ा दूर रह गया है, काजा रह गया है ऐसे सिर्फ 5 मिनट कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर दूर भाई, तो उसके बाद अपन सीधा काजा में रुकेंगे भाई, आज देखते हैं होटल ढूंढने हैं। रोड भाई अब सीधा नीचे प्लेन आ गया, पता नहीं कहाँ आगे कैसे ऊपर चढ़ाई आएगी या सीधा काजा उसके ड्रॉप पे है, मुझे नहीं पता कि पहाड़ के पहाड़ों के ऊपर है या फिर नीचे ही है वो सिटी, लच्छी जाके पता लगेगा। तो बस अब चलते हैं, आपको सीधा होटल में ही मिलते हैं, फिर काजा पहुँच के बताते हैं कि क्या हुआ, अभी होटल ढूंढने बाकी है। लो जी भाई हमारा डिनर चालू हो गया है, सॉरी हम पता नहीं भाई आपको, हमने रूम ले लिया था यहाँ पे एस्केप इन करके नाम से, हमने काफ़ी रूम देखे तो बेस्ट हमें वही लगा भाई, तो हम डिनर शुरू कर दिया था। मैं व्लॉग में बताना ही भूल गया भाई, क्योंकि एक तो थके इतने तो भूख इतनी लग रही थी भाई, और हमने आके सेटअप वेटअप करा, हमने हर सामान वामान रखा, टाइम लग गया बेड शीट वगैरह चेंज कराने में सब कुछ, तो बस भाई अब खाना वाना खाएंगे उसके बाद एंड करते हैं व्लॉग थोड़ी देर में, अगर कुछ बताना हो तो आपको बताऊँगा, शायद मैं अपडेट एडिट करूँगा, एंड दैट्स इट, और सी यू टुमारो गाइस, लाइट भी आ गई, चलो गाइस। तो गाइस भाई खाना वाना खा लिया, अब हम कर रहे हैं थोड़ा डेटा अपना ट्रांसफ़र, क्योंकि ये मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्टोरेज ख़त्म होने वाली है, तो उस चक्कर में भाई अपना सारा इसमें डालेंगे अभी लैपटॉप में, और फ़ोन करते हैं थोड़ा खाली, और उसके बाद बस हम सोते हैं भाई, गुड नाइट, आपको भी मज़ा आया होगा होपफुली, नहीं आया तो भाई एम सॉरी, कल लाएंगे मज़ा, कनेक्ट रहो भाई अब मैसेज में ना, और पता नहीं भाई अब कोई सोच रहा होगा भाई इतनी ठंड हो रही है, टी शर्ट में घूम लिए, तो भाई ठीक है यार, घर भी गाली देंगे बंदे, और आप भी दे रहे हैं एक दो बात नहीं भाई, चलो बाकी आई विल सी यू टुमारो एनीवेज, टुमारो मॉर्निंग वी लीव, और कल थोड़ा एक्साइटिंग रखते हैं, चलो टेक केयर गाइस, गुड नाइट एंड सी यू सून, बाय बाय। I did a put it.